फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2 days 26 हमर डेल में कैसे उसका हमारिंग सेट जो जितने भी हमारिंग सेट है उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे परफेक्टली और कैसे हम उसको फिटिंग करेंगे, ये वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, कहाँ पर दिक्कत होता है, क्यों होता है, सारा चीज़ वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये हमरिंग हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर से साउंड कर रहा है, फिर नॉर्मली चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, फिर साउंड करता है। तो इसलिए हमको पता चल गया है इसमें दिक्कत क्या है। तो इसलिए हमको सबसे पहले उसका नोब खोलना पड़ेगा और नोब खोलने के बाद 4 स्क्रू खोलेंगे। ऐसे भी हम नोब नहीं खोल के भी मशीन को खोल सकते हैं, लेकिन हमको सारा चीज़ खोलना है तो इसलिए हमको नोब को खोलना पड़ेगा। तो नोब को खोलने के बाद हम उसको अंदर से स्क्रूड्राइवर यूज करके उसका गियर सेट जो बड़ी होता है ब्लैक कलर का उसको हम खोल देंगे। ऐसे हमारा कोई भी चीज़ मटर के साइड में कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे जो लगता है, तो इसलिए मैं मटर के साइड भी बिल्कुल नहीं खोला हूँ। अभी दोस्तों ये टूल होल्डर को भी हमको खोलना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो रहता है डैम्पिंग सेट वो ख़राब है, मुझे दिख रहा है। आपको अभी दिखाऊँगा उसको खोल के कैसे ख़राब हुआ है, बिल्कुल टूट गया है, तो उसको मैं खोल के दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों चैनल में ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पावर टूल्स रिलेटेड जितने भी आपको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो साइड में दिए गए नंबर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के बाद आपको जो भी स्पेयर की ज़रूरत है आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगा आपके लोकेशन पर। तो अभी ये सारा चीज़ मैं खोल रहा हूँ। अभी दोस्तों ये आपका जो पोल बेयरिंग होता है या फिर मार्केट बेयरिंग होता है उसके अंदर जो घाटी रहता है अंदर वो ख़राब हो चुका है। फिर उसका बाहर में एक नीडल बेयरिंग लगता है, ऊपर में जो लगता है वो भी टूट गया है, ख़राब हो चुका है। तो हम उसको चेंज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो घाटी रहता है अंदर वो ख़राब होने के बाद कोई भी रिपेयर नहीं हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो घाटी रहता है वो ख़राब हो गया है। अभी ये शाफ्ट बिल्कुल भी सही है। तो ये टूल होल्डर को भी हम उसके अंदर जो डम्पिंग सेट है उसको खोलेंगे। अभी दिख रहा है वो टूट गया है इसके, लेकिन इससे पहले हमको ये एक और भी एक दिक्कत है उसमें, ये पिस्टन खराब हो चुका है। ये तो घुस रहे अंदर सही से काम कर रहा है, लेकिन बाहर से ये जो पिस्टन है वो खराब हो चुका है। वो ऐसे भी हम उसको चला भी सकते हैं, लेकिन हमको परफेक्टली काम करने के लिए हमको उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको धो लेते हैं, सारा चीज़ जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उसको धो लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर हमको परफेक्टली पता चल जाएगा उसमें दिक्कत कहाँ पे है कुछ भी। अगर आपका ये ग्रीस वगैरह लग के ज़्यादा सही से नहीं दिखेगा तो इसलिए हमको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद हमारा सारा चीज़ पता चल जाएगा कहाँ पे दिक्कत क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे ये खा चुका है, कहाँ पे ख़राब है, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब आप उसको कोई भी चीज़ पेट्रोल डीजल या फिर किरासिन यूज़ करके क्लीन कर लोगे। तो अभी ये देखिए यहाँ पे बेयरिंग ये टूट गया है, तो बेयरिंग भी हम लगा सकते हैं, लेकिन बेयरिंग टूट गया है फिर, लेकिन उसके अंदर जो ये घाटी रहता है अंदर वो ख़राब हो चुका है। घाटी ख़राब होने के बाद क्या होता है ना, हमारा जैसे कि हमरिंग पोजीशन में नॉर्मल मोड को नहीं आता है, नॉर्मल मोड में हमरिंग पोजीशन में नहीं आता है, फिर ओनली हमरिंग जो चिपिंग काम कर लेकर नहीं यूज़ किया जाता है वो भी नहीं हो पाएगा अगर ये ख़राब है। तो ये देखिए आप ये डैम्पिंग सेट में टॉच होके तो ये ख़राब हो चुका है पिस्टन, तो पिस्टन को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखिए ये टूट गया है डैम्पिंग सेट, तो हमको इसको खोलना पड़ेगा। खोलने का प्रोसेसिंग बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए दोनों होल होगा टूल होल्डर में, दोनों साइड में दोनों होल है मिडिल में, तो दोनों साइड के होल में एक आपको साइड क्लिप दिखेगा लॉक लगता है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। ऐसे आपको पिट के वो साइड के होल के अंदर घुसा के आपको खोलना पड़ेगा। फिर पिटने के बाद ये थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको एक बड़ा सा पेचकस लेके आप अंदर से उसको थोड़ा उठा लीजिए। फिर उठने के बाद आप ये जैसे कि आप ये देख रहे हो ऐसे आप थोड़ा उठा लीजिए, ऊपर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लग रहा है तो टाइम लगने दो।
2-3 मिनट में अगर वो फंस गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक एक चीज़ बहुत जल्दी आसानी से निकल जाएगा जाता है, जैसे कि ये निकल गया, निकल जाने वाला है, ये निकल गया देखिए। हम उसको निकलने के बाद हम उसको नोज प्लास से खींच लेंगे तो निकल आ जाएगा। ये देखिए ये चीज़ टूट गया है। तो ये टूटने के बाद आपका पिस्टन को भी ख़राब कर चुका है। देखिए जो अगर आपका मशीन में थोड़ा बहुत साउंड हो रहा है तो जल्दी से उसको रिपेयर कर लीजिए। अगर वो एक चीज़ ख़राब हो गया ना, वो साथ में जो आसपास के चीज़ें हो वो भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है आप उसको सर्विसिंग कर लीजिए। जो भी ख़राब है, बेयरिंग वगैरह कुछ भी ख़राब है, तो उसको सही से रिपेयर कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली काम कीजिए। वो आसानी से आपका सस्ता भी कम खर्चे में भी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा साउंड आ रहा है तो उसको कंटिन्यू चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो ख़राब कर देगा। ये देखिए ये जो स्ट्राइकर फिन रहता है उसका डैम्पिंग सेट के अंदर स्ट्राइकर फिन रहता है, उसको हम स्ट्राइकर फिन बोलते हैं, लेकिन वो डैम्पिंग सेट के साथ आता है तो इसलिए इसका स्ट्राइकर फिन नहीं है बोलते हैं, लेकिन ये है इसका स्ट्राइकर फिन। ये देखिए ये ख़राब हो चुका है, स्ट्राइकर पिन ऊपर से खा चुका है। अगर आपका मशीन में सारा सब कुछ सही है, हॉर्निंग नहीं हो रहा है, तो दिक्कत ये है यहाँ पे जो स्ट्राइकर पिन है ये ख़राब हो चुका है। जैसे कि आपका अगर थोड़ा बहुत हॉर्निंग हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे के चीज़ आप सही से देख ले हो लेकिन काम परफेक्टली, दिक्कत कहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो दिक्कत यहाँ पर भी हो सकता है। ये डैम्पिंग सेट आप उसको चेंज कर लीजिए, आसानी से सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ टूट गया है तो हमको उसको नया लगाना पड़ेगा। अभी नया लगाने के लिए हमको थोड़ा उसके अंदर ग्रीस लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सा आप आइडल का ग्रीस यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है हमारे पावर टूल्स का स्पेशल ग्रीस, जैसे कि आपका जेली टाइप का ग्रीस आता है। तो ये देखिए नया डैम्पिंग रिंग, ये डैम्पिंग रिंग में 2-3 वॉशर आता है, फिर एक रबर रिंग लाता है, ओ रिंग भी लगता है। तो उसको देखिए, वीडियो को देखिए और लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा जो मुझे लगता है। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है मैं वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डैम्पिंग रिंग को ऐसे हम उसके अंदर बताए डाल लेंगे, डालने के बाद थोड़ा कुछ हवा यूज़ करके हम थोड़ा परफेक्टली बिठा लेंगे चारों तरफ, थोड़ा पेट के हवा रिंग करके, तो बिठ गया। फिर हमको क्या करना है, उसके अंदर एक सर्क्लिप लगाना है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको परफेक्टली लगाना चाहिए। सर्क्लिप हम ऐसे लगा लेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके अंदर नॉर्मली सीधा को घुसाएंगे, जैसा कि हमको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है उसको अंदर घुसाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ लगाया, ये परफेक्टली लग चुका है दोस्तों। चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बहुत सारा वीडियो आपको ये चैनल में मिल जाएगा पावर टूल्स रिलेटेड। आगे भी बहुत सारा वीडियो, बहुत एक एक दिक्कत का वीडियो आपको मिल जाएगा। शायद पावर टूल्स में सबसे ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, एक एक दिक्कत, एक एक मशीन में बहुत सारा वीडियो है। तो फिर हम उसको ये जो फुल बेयरिंग बोलते हैं उसको, तो उसको हम लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये नया है और ये पुराना है, ये ख़राब हो चुका है तो हम उसको लगाएंगे। बेरिंग ये टूटा है तो बेरिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो नीचे वाला अंदर जो घाटी वगैरह रहता है वो ख़राब है, तो हमको इसलिए नया डालना पड़ा। यहाँ पर थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, फिर उसके अंदर जो बेरिंग लगता है नेरियल बेरिंग, उसको भी हम लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई भी स्पेयर मशीन रिफर कर रहे हो तो सबसे पहले आप थोड़ा अच्छा ग्रीस यूज कीजिए, जैसे कि मैं अच्छा यूज ग्रीस यूज कर रहा हूँ। तो आइडल का ग्रीस बहुत अच्छा है, तो अगर आपको ज़रूरत है, जैसे कि मेरा वीडियो में देख रहे होगे बहुत सारा मशीन में मैं आइडल का ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। आप पावर टूल्स की जितने भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके एरिया में पार्सल हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली उसका पिस्टन है, हम उसको लगाएंगे। पिस्टन नया मुझे डालना ये इसलिए पड़ा क्योंकि उसको डैम्पिंग सेट ख़राब होने के बाद जो पिस्टन का साइड ऊपर में जो घाटी रहता है वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मुझे नया पिस्टन डालना पड़ा। वो पुराना को भी मैं चला सकता हूँ, लेकिन हमको परफेक्ट काम करना है, भले ही 200-250 रुपया ज़्यादा खर्चा होने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मशीन अच्छा होना चाहिए, परफेक्टली काम करना चाहिए। हम उसके बाद इसमें पिस्टन में दोनों पिस्टन पिन वाशर लगाएंगे, फिर उसके अंदर पिस्टन पिन, यह है पिस्टन पिन,
नीचे जो अंदर लगता है छोटा सा पिन रहता है उसको पिस्टन पिन बोलते हैं। पिस्टन पिन लगाने के बाद हमको थोड़ा ग्रीस लगाना है चारों तरफ। अभी हम उसमें लगाएंगे पुल बेरिंग मशीन में। लगा कि यहाँ पे आसानी से हम बैठा लेंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा आपको परफेक्टली काम करना पड़ेगा, दो तीन बार सीख लोगे तो आसानी से ये काम हो जाएगा। ये देखिए उसको थोड़ा पुश करके पकड़ना पड़ता है। ये नया पुल बेरिंग में लगाया हूँ, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइट हो रहा है लेकिन ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा प्रेशर देंगे तो आसानी से वो ऑटोमेटिक नीचे हो चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। लेकिन आप जितना भी परफेक्टली आपको काम करना पड़ेगा, अगर एक चीज़ को सही से बिठाना है, सही से काम करना है तो परफेक्टली हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे पहले वीडियो में बहुत सारा वीडियो में देख रहे होंगे, मैं 26 mm हामर ड्रिल मशीन रिपेयर करके बहुत सारा वीडियो पकाया और डाला हूँ। बहुत लोगों ने उसमें देखे हैं, बहुत अच्छा व्यू है उस चैनल उस वीडियो में। जितने भी 26 mm का हामर ड्रिल या 20 mm का हामर ड्रिल में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। तो ये वीडियो में भी आपको सारा चीज़ कुछ और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टूल रोलर की डैम्पिंग सेट वो उस वीडियो में नहीं बताया था, ये वीडियो में बताया हूँ। तो चैनल में अभी तक जो भी बंदा देख रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए आपके नाम के साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। यहाँ पे ये यू क्लैंप लगाने का तरीका आप देखे हो और मेरा वीडियो में भी बताया हूँ, तो शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी आपको इसको थोड़ा टेस्ट करना है, फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब जैसा आपका चैनल है तो उस टाइप का आपको फेसबुक में भी पेज मिल जाएगा टेक्निकल सितम के नाम पे। अगर आपको वो पेज में भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा पावर टूल्स रिलेटेड, छोटा बड़ा सब बहुत सारा वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाके टेक्निकल सितम सर्च कीजिए यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे, वहाँ पे भी आपको मेरा पेज आ जाएगा। थोड़ा फॉलो कर लीजिए, अच्छा होगा। तो मैं ये मार्तुल यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसको परफेक्टली काम बैठाना चाहिए। ये हम उसमें थोड़ा ग्रीस लगाएंगे चारों तरफ। ये भाई ग्रीस लग चुका है। अभी हम उसके ऊपर कवर देंगे, उसको हम गियर कवर बोलते हैं, गियर हाउसिंग बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हो, कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको स्क्रू टाइट करने से पहले आपको ये नोब को लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मशीन में नोब नहीं लग रहा है तो चारों स्क्रू खोल के नोब लगाइए, आसानी से लग जाएगा। क्योंकि देखिए कि आप देखिए ये वो मैं इसके अंदर थोड़ा हिलाया तो बाहर निकल गया, इसलिए ये इसके अंदर थोड़ा एयर रह जाता है, तो इसलिए ये जो नीचे में स्विच एलिमेंट होता है वो आगे पीछे नहीं होता है, तो इसलिए आपका नोब नहीं लग पा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा टेढ़ा करके आप बिठाइए, ये बिठ गया। फिर आपको एक टेस्टर की ज़रूरत है, टेस्टर में आप ये जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे उस एंगल में आप उसको बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लग गया देखिए, छोटा साउंड का टक टाइप का साउंड होगा, ये परफेक्टली बिठ चुका है। अभी हम उसमें चारों स्क्रू लगाएंगे। दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। आपको ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा शायद, मुझे लगता है। और दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके स्पेयर पार्ट्स आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ जाके खरीद सकते हो या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके कॉन्टैक्ट कर कीजिए। आपको जो भी एक एक छोटा बड़ा भी स्पेयर चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, मैं आपके एरिया में पार्सल दे सकता हूँ, बहुत सारा एरिया में जा रहा है मेरा पार्सल। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बंदे ने मुझे बिलीव करके पेमेंट करते हैं, फिर उसको पार्सल मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसा ही मेरा सर्विस है, बहुत अच्छा सर्विस है। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, देखिए
ऑर्डर दीजिए, देखिए आपका मेरा सर्विस कैसा रहता है। अभी दोस्तों स्प्रिंग लगा के वाशर लगाना है, वाशर लगाने के बाद बॉल लगाना है, फिर एक मोटा सा वाशर लगाना है, फिर यहाँ पे देखिए ये सर्कल पर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा टेस्टिंग करेंगे परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है फिर हम उसमें एक वाशर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है इस मशीन में अभी जो मुझे लगता है। अभी ये वाशर लगाएंगे, लगाने के बाद वहाँ पे एक सर क्लिप लगता है उसको भी लगाएंगे। सर क्लिप ये नया है सर क्लिप, तो उसकी थोड़ा टाइम लगेगा, आउटर प्लस से आप उसको लगा सकते हो, नहीं तो आप एक पेचकस यूज करके भी आप उसको लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइट रहता है तो बेटर होगा आप ये आउटर प्लस यूज कीजिए। ये देखिए ये लग गया, फिर हम उसके ऊपर डस्ट कैप देंगे। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके, अभी हम मशीन को थोड़ा चला लेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा बहुत अच्छा क्वालिटी मशीन साउंड हो रहा है, तो चैनल में है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।